नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल पे जिसका नाम है टोटल बेसिक ज्ञान। तो दोस्तों बहुत ही खुशखबरी वाली बात है क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का एक बार फिर से बहाली आया जिसमें कि 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। और ये जो है दोस्तों देखने को मिला है मुझे RRB भुवनेश्वर की वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 8 तारीख का जो नोटिस है, ये 8 तारीख है आज, और 8 तारीख का जो नोटिस है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है दोस्तों ग्रुप डी का बहाली के लिए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए दोस्तों इस नोटिस को हम लोग खोलते हैं और चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे दोस्तों कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस पद के लिए और इसमें कितने जोन पे जो है रेलवे बहाली कर रही है 1 लाख वैकेंसी को, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नोटिस पे और वहाँ पे जाके जानते हैं क्या रेलवे ने कहा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं जैसा कि ये जो नोटिस है ये रेलवे द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। और ये जो नोटिस है और इसका जो वैकेंसी की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें जो वैकेंसी है ये आपको जो है टोटल 16 जोन के लिए अवेलेबल है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो आप देख सकते हैं दोस्तों, अहमदाबाद से लेकर सिकंदराबाद तक आप देख सकते हैं दोस्तों, कुल मिला के 16 जोन अभी हैं जिसमें कि ये पद खाली है, 1 लाख वैकेंसी खाली है। तो दोस्तों इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा तो ये रजिस्ट्रेशन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 12/3/2019 को, यानी 12 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा शाम के 5 बजे से। तो आप शाम के 5 बजे से 12/3/2019 को जो है रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यदि बात की जाए दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ग्रुप डी का एग्जाम है तो 10 क्लास से जो एबव है उन सबको बैठने का मौका मिलेगा। अब यदि बात की जाए दोस्तों ITI वाले क्या बैठ पाएंगे, तो हाँ दोस्तों ITI वाले भी इसमें बैठ पाएंगे और वो भी एग्जाम दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो मैं आपको देना चाहता था। आपको यदि ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है दोस्तों तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। यानी तो दोस्तों आप RRB भुवनेश्वर की वेबसाइट पर भी जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो और इस वीडियो के थ्रू जो मुझे जानकारी देनी थी वो आपको मिल गई है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको पल पल की न्यूज़ देते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।